हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। रोज़ 10 बजे यहाँ लाइव क्लास होती है, तो क्लास जरूर अटेंड किया करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, वृद्धि कर हार्मोन्स बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि द्वारा। गंजापन का कारण कौन सा कवक होता है? तो टीनिया। लार किसके पाचन में मदद करता है? तो लार जो हमारा स्टार्च के पाचन में मदद करता है। पहली परख नरी शिशु जो 27 जुलाई 1978 को जन्मा था, उसका नाम लुइस ब्राउन। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों द्वारा। सपनों का अध्ययन किसे कहते हैं? तो ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। थायराइड ग्रंथि की असमान वृद्धि किसके कारण होती है? तो आयोडीन। वहाँ काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाता है तो कोयले की खान में। पित्त जमा होता है पित्राशय में। मूत का पीला रंग किसकी मौजूदगी में होता है? यूक्रोम में। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। गुसूत में क्या होता है? तो डीएनए और लिपिड होता है। WBC का प्रमुख कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। दिल का दौरा किस कारण होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति। रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो रक्त में जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आँख का वह भाग जिसमें वर्णांक होल होता है और जो किसी व्यक्ति की आँख का रंग निश्चित करता है, तो वो है आपका आइरिस। तो स्टूडेंट, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही एग्जामिनेशन में पूछ ले जाते हैं, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। कल मिलेंगे 10 बजे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आपको मेरी क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी क्लास में आके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो।